सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर टेक्निकल चैनल को और बेल घंटी को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आप सब लोग को फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल। ऐसा एक वीडियो मैं ला रहा हूँ जो देखने के बाद आपको स्लॉट बुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्लॉट बुकिंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है जिसके बारे में सबको पता भी नहीं है। तो वो सब प्रॉब्लम लेके मैं उधर फुल्ली डिस्कस किया। सो वो वीडियो आप लोगों को ऑफकोर्स दिखना चाहिए, बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है। आज हम निकल रहे हैं वेस्ट बंगाल का, ऐसा 6 स्लॉट वेस्ट बंगाल का मेरे को बुक हुआ लास्ट वीक में, 6 स्लॉट्स। सब लोगों को स्लॉट बुकिंग नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा उधर स्मूथली स्लॉट बुकिंग होता है। अगर आपको चाहिए स्लॉट बुकिंग सो आप तुरंत मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा वीडियो एक के बाद आते रहेगा, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा कि किधर किधर मेरा स्लॉट बुक हो रहा है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली फॉर योर स्लॉट बुकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मेरा याद नहीं रहता, इसीलिए मैंने कागज में लिख के लेके आया कौन सा डेट में मैं किसका किसका स्लॉट बुक किया। तो पहले तो हुआ लास्ट 8 तारीख में वेस्ट बंगाल का राजेश दे, वो कुछ बिहार आरटीओ का है, नॉर्थ बंगाल में, बंगाल का एकदम टॉप साइड में। तो यंग लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो उसका स्लॉट बुक हो गया वो 8 अक्टूबर को। उसके बाद हुआ हावड़ा का एक आदमी था, सेमी ओ आरटी डेट में हुआ था, उसका नाम है शेख रमजुद्दीन। उसका भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, लेकिन हावड़ा में कभी कभी प्रॉब्लम होता है बहुत, तो उसका भी स्लॉट बुक है सेम डेट 8 तारीख में ही। 3 नंबर में हुआ, वो भी हावड़ा का ही है, संजीव घोष, उसका भी हावड़ा आरटीओ था। तो संजीव घोष मेरे पास जुलाई महीने में आया था, तब मेरा सिस्टम सही नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता था, कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम था। उसके बाद मैंने सिस्टम अपग्रेड किया, तब मिडिल में उसके साथ कांटेक्ट टूट गया। तो लास्ट वीक में मैं फिर उसके साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि वो उसके बाद वो कुछ एजेंसी में गया था, वो लोग भी कर नहीं पाया। तो 11 अक्टूबर संजीव घोष हावड़ा का, उसका भी स्लॉट बुक हो गया। सो नेचुरली वो बहुत ही खुश है। तो उसका नौकरी का मामले में, उसका जाने आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये स्लॉट बुकिंग उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। 4 नंबर में जो आता है वो बारासात, हमारा नॉर्थ 24 परगना आरटीओ है बारासात, शुभंकर हलदार है, वो भी बहुत दिन से कोशिश कर रहा है। हमारा इधर का बारासात एक रेपुटेड आरटीओ है, जिधर आप लोगों को स्लॉट कभी बुक नहीं होगा, आप जितना भी कोशिश कीजिए, क्योंकि 12-7 आरटीओ से मेरे पास बहुत सारा कॉल आया था। सब लोग बोल रहे हैं सर कैसे करें, एग्जैक्ट टाइम में आप लोग खुलते हैं लेकिन 2-3 सेकंड के अंदर में सब बुक हो जाता है, शायद अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, अंदर से बुक हो जाता है कि कुछ भी हो। तो शुभंकर का हो गया, तो उसके साथ मेरा जो बात हुआ था, दैट्स सीरियसली वेरी गुड बॉय। सो वो मेरे को थोड़ा डबल गिफ्ट दिया, सो आई डोंट नो, दैट्स ये मेरा सौभाग्य है जो वो बहुत खुश है, और खुशी के मामले से वो मेरे को डबल दिया। सो थैंक यू शुभंकर, थैंक्स अगेन फॉर योर कोऑपरेशन एंड यू आर सच ए नाइस गाई। और 5 नंबर हुआ था अजय दास नाम है, यंग लड़का है, तो इधर वो शायद उसको बातों से लगा, वो इधर स्टडी कर रहा है कोई कॉलेज में, बारकपुर आरटीओ में, वो बारकपुर में रहता है। 13 तारीख उसका बुक हुआ अजय का, तो उसका भी शायद कॉलेज में आने जाने में चाहिए उसको लर्नर लाइसेंस, तो उसका भी हो गया। सीरियसली मैं भी बहुत खुश हूँ। और लास्ट में आता है श्रीरामपुर आरटीओ का, वो भी 13 तारीख ही हुआ था। तो श्रीरामपुर आरटीओ का, उसका नाम है मनोजीत दे, श्रीरामपुर आरटीओ का। तो ये सब लोग पहले से ही मेरे को पैसा दे के रखता है,
जी सर, आप पैसा ले लीजिए लेकिन काम होना चाहिए। बिल्कुल काम तो मैं ऑफकोर्स करूँगा, क्योंकि उन लोगों से ज़्यादा टेंशन मेरा रहता है। क्योंकि देखिए, मेरा यूपी का स्लॉट बुकिंग का टाइमिंग्स रात 1 बजे सोते सोते 1:30-2 बजे, फिर असम का स्लॉट बुकिंग 7 बजे, मेरे को 6 बजे उठना पड़ता है। तो रात में मैं 4 घंटा सोता हूँ। क्यों सोता हूँ? क्योंकि ऐसे ही मेरे को अलार्म की ज़रूरत नहीं है, सुबह ऐसे ही नींद खुल जाता है। क्योंकि मेरे से ज़्यादा, देखिए मैं करूँगा तो मेरे को तो थोड़ा मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन मेरा टेंशन रहता है ये लड़के लोगों के लिए जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने से वोट कर रहा है। तो मेरे से कितना हज़ार गुना टेंशन उन लोगों को है जिन लोगों का स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है। सो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन लोगों का स्लॉट बुक करता हूँ, और जब वो लोग खुश करके मेरे को एक थम देता है या लव साइन देता है, जी सर थैंक यू सो मच हो गया, मेरे को भी बहुत खुश होता है जी। इसीलिए सबका जो जो मेरे पास आता है स्लॉट बुकिंग के लिए, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। तो शायद सब लोग मेरे को दादा करके बुलाते हैं, तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन मैं उम्र में उन लोगों से बहुत बहुत बड़ा हूँ। ये सब स्टूडेंट है और क्या कोई भी नौकरी भी करते हैं। सो मैक्सिमम गाइस आर दैट्स रियली कूल, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो एक सिर्फ आदमी जम्मू कश्मीर का 16 साल का एक लड़का, उसका काम करने के बाद भी वो मेरे को पैसा नहीं दिया। नीरज कुमार है उसका नाम, बहुत ही बिगड़े हुआ लड़का है। तो मैं उसका काम कर दिया था, उसके साथ मेरा जो बात हुआ था, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं वीडियो में ये बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। उससे जो बात हुआ था उसके बाद वो बोला जी ये पैसा मैं आपको दे दूँ, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। मेरे को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रियासी RTO हफ्ते में 1 दिन खुलता है। मैं 1 हफ्ता उसके लिए चेक करता रहा, 1 हफ्ता टाइम दिया मैं उसका बुक करने में। जिस दिन हुआ एक ही शॉट में उसका बुक हो गया। उसका भैया भी बोला जो पैसा भेज देता हूँ, लेकिन बाद में वो लोग पैसा नहीं भेजे। तो आज 4 दिन हो गया, शायद मेरा ख्याल से वो पैसा भेजेगा नहीं। तो एनीवे, इस टाइप का बिगड़े हुआ लड़का अगर आप है तो प्लीज़ मेरे पास मत आइए। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, जो लोग वादा नहीं रखते, वादा तोड़ते हैं। जुबान का जिसका कोई भरोसा नहीं है, उन लोगों से कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज़ मत आइए अगर आपको लगता है आप ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि भगवान आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। हर आदमी को उसका परिश्रम का मूल्य देना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, मेरे को भी मिलना चाहिए, जो जो करेंगे सबको मिलना चाहिए। तो इस टाइप का चीटिंग, सीरियसली नो बडी एक्सेप्ट दैट। सो थैंक यू मेरी वेरी मच फॉर बींग विथ मी। मेरा वीडियो आप सब लोग देखते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, इसलिए मेरा दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही करते रहिए, मैं भी आप लोगों को सेवा करता रहूँ। चलिए, मेरे को कुछ मिलता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन इट्स माई पैशन, मेरे को अच्छा लगता है। सारा दिन मैं खुद को बिजी रखूँ आप लोगों के पीछे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।